हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिक्की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के लिविंग लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में वेलकम है। तो फ्रेंड्स, तो देखिए, आज बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक है जो कि बहुत ही बड़े बड़े काम को आपको आसान कर देंगे और बहुत ही टेंशन वाली काम भी आप इजीली कर सकते हो। और ये ट्रिक है हम लोग के किचन में, घर में, जो हाउसवाइफ को, हर हाउसवाइफ को इसको फेस करना पड़ता है। तो चलिए, पहली ट्रिक है, देखिए फ्रेंड्स, रोटी बनाने का तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, जब फुलाते समय हाथ में लग जाता है तो अभी खोला उखड़ जाता है, तुरंत ये खोला उखाड़ देंगे। थोड़ी सी हाथ में लग गया या तो फिर इसको तावे में रख के आप कपड़े के साथ, रोटी के साथ इसको फुलाते हो तो कभी कभी तावे में भी लग जाते हैं। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है, किसी कटोरे से आप इसको, ना कपड़ा ना रोटी, देखिए कटोरे के मदद से मैं इसको रोटी को फुला ली। ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है पनीर कोल्हापुरी। तो फ्रेंड्स, ये नाम जितने बड़े हैं इसको बनाना उतने ही आसान है। तो इसको देखिए, ये 10-12 मसाले हैं जो कि गरम मसाले हैं किचन के, हम लोग किचन में जितने मसाले रहते हैं वो सारे मसाले हैं। इस मसाले को थोड़ी सी फ्राई कर लेना है और बिना तेल का ही इसको टॉस कर लिए हैं, देखिए यहाँ। और इसको टॉस करने के बाद क्या करना है, इसको पीस लेना है सारे मसाले को। ये तो फ्राई हो गए हैं, इसको पीस लिए हैं। अब दूसरे मसाले, प्याज और टमाटर है, उसको भी फ्राई कर लेना है। उसके बाद देखिए, पनीर को धो के काट के इसको डाल देना है। तो ये वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाके जरूर देखें। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये नाम जितने बड़े हैं इसको बनाना उतने ही आसान है। तो आप लोग जरूर एक बार इसको वीडियो को देखें और जरूर बनाएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रिक, देखिए, हम लोग का बेसिन में कभी कभी पानी जम जाता है, क्या होता है, छोटी छोटी कचरा जो रहती है, कोई चावल वगैरह थोड़ा सा रहा, कभी कभी सब्जियां के कोई छिलके हुए, दाने हुए, तो वो क्या होते हैं, देखिए पानी जम गया। इसका एक ट्रिक मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, दूसरे तरीके से कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, साफ कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो जरूर जाके देखिए। लेकिन अभी देखिए, मैं ये एक प्लास्टिक की मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक किसी पैकेट ली हूँ, इस पैकेट को मैं गोल तरीके से इसको काट लूंगी। जो बेसिन का मेरा है, सिंक का जो है, वो सिंक का जो नीचे का जितना गैप है उसी हिसाब से इसको काटेंगे। और इसको काटने के साथ, उस हिसाब तो काट लिए, उसके बाद इसको बीच बीच से छेद कर देंगे, मतलब कैंची के इसके मदद से ही इसको काट लेंगे बीच बीच से, और वहां डाल देना है। बस इसको एक बार डाल दें, छोटी से छोटी चाय वगैरह का जो भी होते हैं, चाय सब भी कभी अगर गया तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे जाने के बाद जम जाते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, कभी कभी पानी रुक जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जब होते हैं, बर्तन अगर किचन में रखा हुआ है सिंक में और वो अगर पूरा पानी जम जाता है, तो कोई भी जूठे आप रखते हो तो वो सारे फैल जाते हैं, तो उससे आप बच सकते हो। तो देखिए, मैं इस प्लास्टिक को है, कोई भी आप पैकेट ले लें, घर में तो बहुत तरह के प्लास्टिक होते हैं, सिर्फ वो प्लास्टिक जो सब्जी लाते हैं पतले वाले वो ना लें, क्योंकि वो चिपक जाएंगे और उसमें पानी भी पकड़ लेते हैं, पानी बैठ जाएंगे उसी के ऊपर। तो चलिए देखिए, मैं ये पैकेट को ली हूँ और इसको काट ली हूँ, बीच बीच से ऐसे ही फोल्ड करते जाएं, इसको फोल्ड करते जाएं और काटते जाएं, ऐसे करके मैं इसको काट ली हूँ चारों तरफ से, लगभग 15-20 छेद इसमें कर दिए हैं कैंची की मदद से, देखिए। और इसको क्या करेंगे, आप सिंक में इसको रख देंगे, इसको आप देखिए एक बार रख के जरूर देखें, ये क्या होते हैं, पूरे छोटे छोटे गंदे ये अंदर जाने नहीं देंगे। जैसे आप इसको साफ करोगे, प्लास्टिक को हटा देना है और उसको डस्टबिन में डाल दे, थोड़ी सी भी अगर गंदगी है तो। उसके बाद देखिए, अब कोई भी ये डाल रहे हैं, देखिए सब्जी के छोटे छोटे छिलके होते हैं, चावल के दाने, वो क्या होते हैं, अंदर चल गए। उसके बाद इसके अंदर जो गया वो फिल्टर लगा हुआ है आपका प्लास्टिक का, उसको भी आप निकाल के साफ कर दें। तो ये क्या होते हैं कि अंदर आपको ना जाएंगे, ना आपको परेशानी होगी, और बेसिन भी आपका, पाइप भी क्लीन रहेगा, और कभी भी पानी नहीं जमेंगे, कभी भी पाइप आपका ब्लॉक नहीं होगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है देखिए, हम लोग सोयाबीन वगैरह धोते हैं, क्या करते हैं, इसको फुला के धो दिए, इसका पानी फेंक दिए, लेकिन ना ऐसा ना करें, इस पानी का आप प्लांट में डालें। देखिए ये पानी आप धो लिए, 3-4 पानी में, जैसे आप धोए एक तो पानी की बचत हुई, और दूसरा देखिए, मैं ये चावल का जो माड़ होता है, चावल जो हम लोग बनाते हैं उसका माड़ है, इसको पसा के रख ली हूँ और इसी में सोयाबीन वाला पानी को डाल दी हूँ। जरूरी नहीं कि आप सोयाबीन भी मिलाए, ये इस माड़ का भी इतने ही फायदे हैं कि आप इसको प्लांट में रखें तो पानी जमे रहेंगे, मतलब पानी जल्दी सूखेंगे नहीं, इसको आप कभी भी ठंडा करके डाल दें। और नेक्स्ट है
देखिए फ्रेंड्स, ये पपीते का छिलके हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। ये डेंगू है, कैंसर है, ये सारे में बहुत ही फायदे करते हैं इसके छिलके, इसके दाने, इसके पत्ते। अभी कभी भी इसको अगर डेंगू हुआ है तो ये पके पपीते हैं, उसके छिलके हैं, छिलके और दाने को उसको उबालें और 4-5 बार दिन में उसको पिला दें, तो देखिए बिना आपको सलाइन किए, बिना डॉक्टर के पास जाए आपका बीमारी ठीक हो जाएंगे। और ये देखिए, ये पत्ते हैं अड़हुल का, जो गुड़हल आप लोग बोलते हो, तो उस गुड़हल का पत्ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस पत्ते को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। पपीते हैं, ये गुड़हल का पत्ते हैं, फूल हैं, इसको कैंसर जैसी बीमारी से भी ठीक बचा सकता है। और इसमें बाल में हेयर प्रॉब्लम जो है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, मिक ब्लॉग्स पर, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जाके जरूर देखिएगा। बाल झड़ना बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि इसको मैं यूज की हूँ और करवाई हूँ, जिस जिसको भी बताई हूँ उसके बाल झड़ने रुक गए हैं। और ये ज्यादा नहीं, आप सप्ताह में 1 से 2 बार जरूर करें। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरा है साड़ी का फॉल लगाना, तो ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं पर्व त्योहार होते हैं। अगर कभी आपको साड़ी में फॉल लगाने के लिए टेलर नहीं लिए, ये तो आपके पास थोड़ी सी भी टाइम है 10 मिनट, तब इसको लगा सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैं दूसरे कलर का धागे ली हूँ, देखिए मैं फॉल ली हूँ, उसको धो ली हूँ, धो के आयरन करने के बाद एक दूसरा कॉन्ट्रास्ट कलर ली हूँ, मतलब ये देखिए मेरा फॉल है ब्लू कलर का, मैं रेड कलर का धागे ली हूँ, इसको बड़े बड़े टांका लगा दी हूँ, मतलब जगह जगह से देखिए ऐसे बड़े बड़े, इसको सिर्फ फिक्स करना है। अभी इसको मैं फॉल नहीं लगा रही हूँ, इसको सिर्फ फॉल को फिक्स कर रही हूँ, इसलिए बड़े बड़े आप टांके इसमें लगा दें। और देखिए इसको लगाने के बाद क्या होगा, आपका फिक्स हो गया, देखिए किधर से लगे, कभी ना टेढ़े होंगे ना आगे पीछे होंगे, एक बार फिक्स हो गए। उसके बाद क्या है, आप फॉल का जो है कलर, उस कलर के धागे से आप इसको पहले से पहले लगाएं, धागा लगाएं, उसके बाद इसको खोल दें। देखिए ये कलर ऐसा ही है, दूसरा कलर लिए हैं, क्या होगा, और बड़े बड़े टाका लगाए तो ये खुल जाएंगे, लेकिन आपको लगाते समय जब फॉल लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक बार फिक्स किया हुआ है, उसके बाद आप धीरे से इसको लगा सकते। देखिए फॉल को आप ऐसे, मैं देखिए ब्लू कलर का फॉल है मेरा, रेड कलर का साड़ी पर नीचे का पार जो है ब्लू कलर का है, तो मैं ब्लू कलर का ही धागा ली हूँ। और इसको देखिए एक डब्बे ली हूँ नीचे, ताकि वह जब मैं धागा इसमें लगाऊं तो आगे पीछे ना हो, और क्योंकि अब जो है छोटे छोटे टांके लगाने होंगे, बहुत पतला ही, तो इसके लिए मैं इस डब्बे में रख दूंगी इसको। देखिए अब पैर से इसको दबा देंगे तो क्या होंगे, जल्दी से हो जाएंगे मेरा काम। देखिए छोटे छोटे टाके लगाने हैं इसमें, अब क्योंकि ये धागा दिखेंगे बहुत बड़े बड़े लगाएंगे तो इसलिए ये आपके काम बहुत ही आसान कर देंगे, घंटों के काम आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। तो देखिए मेरे ये धागे लग गए हैं, अब ये क्या हुआ, पहले के जो टाके लगाए थे उस धागे को मैं खोल दे रही हूँ, और ये देखिए कितनी आसानी से खुल गया और मेरा फॉल भी लग गया, देखिए बिना टेंशन का देखिए फॉल लग गया है, इस धागे को मैं खोल दी और देखिए कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से लग गए हैं। तो देखिए दूसरा ट्रिक है मेरा, क्या है, ये जूते, कहीं हम लोग क्या होते हैं, कभी साफ करने भूल गए हैं, कहीं निकलना है पार्टी वगैरह में जाना है तो क्या करें, कभी गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, कभी होते हैं कि याद ही नहीं रहा कि इसको साफ करना है, कभी ऐसा होता है, तो और कभी है कि आप नहीं कर पाए किसी जल्दीबाजी में, तो एक मैं यहाँ मास्क ली हूँ और एक देखिए ये कॉलगेट, ये दोनों के मदद से इसको इतने क्लीन कर देंगे कि ये नए की तरह हो जाएंगे। देखिए मेरे जूते कितने गंदे हैं, आपको ये दिखा रही हूँ, ताकि ये इतना मैं इस तरह रखी हूँ ताकि ये कैमरा में आ जाए गंदा। देखिए इसको एक पेस्ट, ये 10 रुपये के पेस्ट होते हैं कॉलगेट, इसको आप लगा दें और इसको देखिए ऐसे करके लगा देने, पहले ऐसे करके मैं लगा दी, ये 2 से 3 मिनट में आपके जूते साफ कर देंगे और बहुत ही चमकने लगेंगे, क्लीन एकदम पूरे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये जूते गंदे हैं। ये ट्रिक फैक्ट है, आप जरूर जाके करें। और देखिए मैं एक मास्क ली हूँ पुराना मास्क, ये इसको क्या करना है, ये क्यों है, ये बहुत ही पतले और सॉफ्ट होते हैं, ये बारीकी से गंदगी को निकाल देंगे। देखिए मैं ये पहले पेस्ट को इसको पूरे लगा दे रही हूँ, मतलब 10 रुपये के पेस्ट से आप जो 2 जूते साफ कर सकते हो, इतने ये
फायदे हैं इसमें। और क्या हुआ, बिना भिगाए हुए आप साफ कर दें और ये 2 मिनट में, तो ये तो लाजवाब ट्रिक है, एक बार जरूर आजमा के देखें, ये फैक्ट है। मैं ये बहुत बार कर चुकी हूँ इसलिए आप लोग से आज शेयर कर रही हूँ। देखिए जूते का क्या है, ये ब्रश से भी आप मार सकते हो, ऐसे जो ब्रश पुराने ब्रश हैं उसके सहारे से भी आप इसी को ऐसे कर सकते हो, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट कपड़ा ही लगा। वो जल्दी साफ भी हो गया और धीरे धीरे वो बारीकी से साफ करते गया गंदगी को। देखिए, और इसके मास्क की जगह आप कॉटन के कपड़े यूज कर सकते हो, और इसके ऊपर का एरिया भी आप साफ कर सकते हो, ये नहीं कि नीचे का सॉल का ये एरिया भी साफ, ये पूरे एरिया को आप साफ कर सकते हो। और ये दिक्कत नहीं है कि ये व्हाइट है तो दिख जाएंगे सूखने के बाद, या तो फिर ये व्हाइट व्हाइट दिखने लगेंगे, मेरे जूते खराब हो जाएंगे, वैसा नहीं है। ये तुरंत आप कपड़े से जैसे पोछेंगे गंदगी लेते हुए ये निकल जाएंगे। देखिए मेरे जूते ये देखते ही देखते 2 मिनट में ये साफ हो गए हैं। और ये देखिए एक ट्रिक और है, अगर जूते का ये निकल गए हो, सॉल उल फट गए हो, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो उसका भी मैं बताऊंगी। वीडियो में बने रहें। और मेरे जूते का देखिए ये ऊपर का एरिया भी मैं साफ कर दे रही हूँ इसी के मदद से। ये मास्क नहीं है, तो ये नहीं कि मैं मास्क खरीद के लाऊं दुकान से, मेडिकल से, अब ये कॉटन के कपड़े से ही कर सकते हो। देखिए मेरे जूते साफ हो गए हैं, और देखते देखते 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये साफ हो गए हैं। और चलिए फ्रेंड देखिए, मैं ये थोड़ा उखड़ गए हैं तो इसको दिखाती हूँ। ये स्टेशनरी दुकान में मिल जाते हैं, आपको गोंद है, फेविक्विक है, जो कि कपड़े वगैरह में जो लगाते हैं वो है, उससे मैं क्योंकि कपड़े में मैं लगाती हूँ, उसके बाद उसको पानी में भी धो डालें तो वो कुछ नहीं होता है, तो ये जूते में भी कुछ नहीं होंगे। ये इसको लगा के छोड़ दिए, देखिए बैठ गया। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइए। ये क्या है, बहुत जल्दी में हो, अगर आप क्या होता है कभी होता है पार्टी वगैरह में जाना हो और जूते साफ ना हो, तो आप उस समय आजमा सकते हो। ज्यादा नहीं, आपको बोलते बोलते जैसे ही याद हुआ एक पेस्ट मंगाइए कोलगेट, ये तो घरों में होते ही हैं, उसके सहारे से आप इसको तुरंत साफ कर दीजिए, एक चमत्कार हो जाएंगे। एकदम गंदे से गंदे जूते देखिए कितने साफ हो गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक आप जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम लोग का बहुत अक्सर ही ऐसा होता है कि जूते साफ करने भूल गए, कहीं पार्टी में निकलना हो, बच्चों को या हस्बैंड को, ये ट्रिक काम आएंगे बहुत ही। और दूसरा है देखिए, मैं पेपर ले रही हूँ, तो पेपर क्यों, पेपर है जो कि सब्जियों को सड़ने गलने से आपको रोकेंगे। ये बेकार के डब्बे जो होते हैं घर में पड़े रहते हैं इधर उधर, उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस डब्बे को यूज करने के लिए चलिए बहुत ही अच्छे ट्रिक बताती हूँ, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको बाहर रखें या फ्रिज में, लाजवाब देखने में लगेंगे, कोई किसी को पता नहीं चलेगा इसमें सब्जियां हैं लगी हैं, कोई मिठाई वगैरह रखे हुए हैं। देखिए इसको मैं पेपर को नीचे डाल दी हूँ, उसमें लहसुन रख दी हूँ, उसके उस पेपर को भी मैं फाड़ी नहीं हूँ, उसी पेपर को रख के ऊपर से लगा दी। और देखिए इसके ऊपर में भी लहसुन रख दी, और बाद बाकी पेपर जो बचा उसको निकाल दी हूँ। ये पेपर है, ये क्या है, बाहर में आप रख सकते हो, ये खराब नहीं होगा, ना सूखेंगे ना तो आपको अंकुरित होंगे ये। और देखिए, और ये लहसुन इतने फायदेमंद होते हैं कि हर सब्जी में भी डाला जाता है, और ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इसको आप कभी भी जैसे गले वगैरह में खराश आया वहां भी यूज कर सकते हो। इसका पेस्ट बना के रख सकते हो, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के भी आप फ्रिज में रख सकते हो, जो कि सब्जी में कोई आप स्नैक्स बनाए कुछ में उसमें आप डाल सकते हो जल्दी से। तो देखिए मैं यहाँ लहसुन का पेस्ट रखी हूँ, ये मैं रोटी में डालने या सब्जी में डालने के लिए नहीं, इसको मैं बता रही हूँ एक सबसे बहुत ही अच्छे ट्रिक है, जो कि जिसका भी आपका गला खराब हो गए हो, तो देखिए गले में खराब हो, कफ हो गए हो बहुत ज्यादा, खांसी हो, कफ ना निकल रही हो, तो ये लहसुन है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, उसको दिन में 2 बार जरूर खिलाएं। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी किसी को इससे प्रॉब्लम होता है उसको दाल के साथ या दही के साथ इसको मिला के खा लें, तो क्या होंगे, कभी कभी इसको खाने से किसी को प्रॉब्लम होता है कि जलने लगता है सीना, वो नहीं होंगे दाल या दही के साथ खाएंगे तो। और नेक्स्ट है हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को तो घर में अक्सर ही रहते हैं, इसको क्या होते हैं कभी सूख जाते हैं तो कभी सड़ जाते हैं, तो इसको रखने के लिए मैं देखिए पेपर डाल दी हूँ इस डब्बे में। इसको मिर्ची को अच्छी तरीके से, जो मतलब कुछ भी सड़ा गला एक दो हो तो सबको हटा दें, और चुन के इसमें रख दिए हैं। ऐसे भी आप इसको बाहर रख सकते हैं, लेकिन क्या हुआ फ्रिज में रखना है, लेकिन ये हरे रहेंगे
एक हफ्ता तक, लेकिन फ्रिज में रखना है एक महीने तक आपके रह जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। देखिए इसके ऊपर से भी मैं पेपर लगा दी हूँ, अंदर मिर्ची डाली हूँ, ऊपर से पेपर लगा के ढक्कन लगा दी। अब क्या होगा, इसमें मॉइस्चर नहीं है, अंदर भी पेपर है ऊपर भी पेपर है, जो भी मॉइस्चर जाएंगे ये पेपर में ही रह जाएंगे। तो क्या होगा, मिर्ची ना खराब होंगे ना पकेंगे, नहीं तो वो सड़ेंगे, बहुत अच्छे ये रहेंगे। आप एक बार जरूर इस ट्रिक को अपनाइएगा और ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और देखिए दूसरा ट्रिक मेरा है रोटी के लिए। ये रोटी है जो कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, थोड़ा मतलब बासी रोटी होते हैं ये, तो फिर आप सूखा हुआ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो उसको आप कैसे सॉफ्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए ये रोटियाँ मैं बता रही हूँ कितना ये कड़क हो गए हैं, इसको मैं सॉफ्ट करके बता रही हूँ। देखिए ये पूरे टूट रहे हैं, इसको आप एक से डेढ़ मिनट में सॉफ्ट कर सकते हो। तो चलिए देखिए मैं यहाँ कुकर में एक कटोरी जैसा पानी डाली, उसके ऊपर कटोरी रख दी और कटोरी के ऊपर प्लेट रख दी हूँ, और प्लेट को रख के उसमें रोटी रखने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दी हूँ, एक से डेढ़ मिनट के लिए बंद की हूँ। और उसके बाद देखिए रोटी सॉफ्ट हो गया है। रोटी आप जैसे इसे उठाएंगे आपको पूरे सॉफ्ट रोटी दिखेंगे। ये रोटी इतने कड़क थे आपको दिखा रहे, देखिए इसी रोटी को मैं तोड़ी थी और ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये रोटी आप जरूर इस ट्रिक को अपनाएं, ये ट्रिक कैसा लगा। और नेक्स्ट है मेरा देखिए झाड़ू का, जो कि झाड़ू कभी हम लोग गंदे में लगाए हैं तो उसको धोना ही पड़ता है, क्योंकि गंदगी रह जाए फिर उसको हम पूरे घर में लगाएं तो क्या होता है, ये कभी कभी पानी रह जाते हैं, पानी की जगह में आप झाड़ू लगाए तो क्या हुआ, गीला हो गया तो फिर गंदे चिपक जाएंगे उसमें, उसके लिए धो लेते हैं। तो धोने के बाद इसको आप नीचे रख दो तो फिर ये सड़ जाएंगे, ये तो फिर गंदगी कर देंगे, जहां भी आप इसको रखोगे तो वहां ये गंदे कर देंगे। इसका कलर भी थोड़ा जाता है, कलर नहीं जाता मतलब ये फूल का है तो ये क्या होता है, वो थोड़ा ब्राउन कलर इसमें निकल जाता है। तो क्या हो, इसको किसी ऊंचे जगह में किसी ईंट में या किसी डब्बे के ऊपर आप इसको रख दो। देखिए ये गैप होना चाहिए थोड़ा, ये 3 से 4 मिनट में झाड़ू सूख गए हैं। अभी का समय जो है ऐसे 10 मिनट आपको लगेंगे, कभी भी आप इसको रखें, मैं ठंडा में भी इसको ट्रिक को यूज करती हूँ। ये देखिए ये जो है निचले हिस्सा है, इसको जमीन में सटने नहीं देना है, ये 10 मिनट में सूख जाएंगे और ये देखिए कितने क्लीन हो जाते हैं धोने के बाद। ये आप झाड़ू लगाएं तो बहुत ही क्लीन हो रहेंगे, तो आपके घर को भी साफ जरूर करेंगे। ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए अब झाड़ू सूख गया और कितना साफ भी दिख रहा है, देखिए कहीं से भी गीला लग रहा है ना। इसमें चूटा वगैरह लगाने क्या जरूरत है, आप ऐसे इसमें और ज्यादा खर्चे करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही आप हो जाते हैं। ये देखिए ये ट्रिक कितने यूजफुल है, आप जरूर बताइए कौन सा ट्रिक अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं बहुत बहुत ही यूजफुल ट्रिक के साथ, आप लोग के साथ फिर मुलाकात होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, कौन से अच्छा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।